रजौरी गार्डन में राम के छोले भटूरे, वो भी उसकी दुकान के पास जाते। थोड़े प्याज, हरी चटनी और गाजर का अचार और मिर्च का अचार। दिल्ली वाले प्रॉपर छोले भटूरे का टेस्ट आ रहा है। विराट कोहली ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं जब भी, मेरी फेवरेट छोले भटूरे की जगह दिल्ली में रामा छोले भटूरे है, मैं जब भी दिल्ली आता हूँ तो रामा छोले भटूरे पे छोले भटूरे जरूर खाता हूँ। द अल्टीमेट इंडियन में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत स्पेशल जगह पे आ चुके हैं। आज हम तिलक नगर के मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में आ गए हैं रामा छोले भटूरे पे। तो दोस्तों, रामा छोले भटूरे स्पेशल क्यों है? दोस्तों, विराट कोहली ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं जब भी, मेरी फेवरेट छोले भटूरे की जगह दिल्ली में रामा छोले भटूरे है, मैं जब भी दिल्ली आता हूँ तो रामा छोले भटूरे पे छोले भटूरे ज़रूर खाता हूँ। हालांकि विराट कोहली 10-12 साल पहले यहाँ पे आते थे और छोले भटूरे खाते थे, उसके बाद तो उनका डाइट प्लान स्टार्ट हो गया, फिर छोले भटूरे वगैरह वो उन्होंने खाना बंद कर दिया। पर दोस्तों, विराट कोहली ने उस इंटरव्यू में साफ कहा है कि रामा छोले भटूरे उनका दिल्ली में फेवरेट छोले भटूरे की दुकान है। तो आइए दोस्तों, हम भी टेस्ट करते हैं और बात करते हैं कि विराट कोहली जब आते थे तो विराट कैसा माहौल होता था, विराट कोहली क्या बोलते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे, और हम भी टेस्ट करके देखेंगे कि आखिरकार रामा छोले भटूरे में ऐसा स्पेशल है क्या कि विराट कोहली को इतना पसंद है। तो सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरभजन सिंह चड्ढा। हरभजन सिंह चड्ढा जी, यहाँ के ओनर हैं सरदार भगत सिंह, महेंद्र सिंह। अच्छा, तो सर, सबके मन में बहुत ही क्यूरियस सा एक सवाल है। विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में बोला था एक बार कि मैं तिलक नगर के रामा छोले भटूरे पे पहले छोले भटूरे खाने आता था और दिल्ली का मेरा फेवरेट छोले भटूरे यहाँ का है। तो क्या ये सच बात है? नो डाउट, ही इज़ वेरी राइट। अच्छा, और उन्होंने यही बात, वो एक्चुअली यहाँ पे प्रैक्टिस पे आते थे। प्रैक्टिस पे आते थे वो पंजाबी विभाग में। अच्छा अच्छा, तो अपनी टीम के साथ यहाँ पे आके छोले भटूरे खाते थे और अपना एंजॉय करते थे। अच्छा, तो जब और जब उन्होंने एक वीडियो के अंदर कहा था कि जाओ और वहाँ पे तिलक नगर में रजौरी गार्डन का भी नाम लिया था, रजौरी गार्डन का भी नाम लिया। हमारा जो एक्चुअली था तिलक नगर का, उन्होंने गलती से शायद रजौरी गार्डन बोला, रजौरी गार्डन बोला, बट हमने बहुत रिसर्च किया कि रजौरी गार्डन में है कि तिलक नगर, तो हमें ये बात पता लगा कि ये तिलक नगर, तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास। तो जब विराट कोहली आते थे कि तो तब भी आप देख के लगते थे कि भाई ये बंदा एक दिन जाके ऐसा बनेगा, इतना बड़ा इंडिया का कैप्टन होगा कभी? देखिए, ऐसा कोई हम तो प्रेडिक्ट कर नहीं सकते। मैं तो आपके बारे में भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्या बनोगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बाकी जो है, विराट कोहली जो है, उनका नाम परमात्मा ने इतना अच्छा चमकाया, हमें बड़ी खुशी हुई है। बिल्कुल, और वहाँ यहाँ आके बड़े वो खुश होते थे, खुश होते और थे। अपना एंजॉय करते थे, मीठी लस्सी पीनी, नमकीन लस्सी पीनी। हाँ। अपनी टीम के साथ आते थे, उस समय प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, रिसेंटली विराट कोहली क्या आए अभी? हालांकि उनका डाइट बहुत वो होता है, चलता है अभी, बॉइल्ड फूड ज़्यादा वो करते, प्रेफर करते, मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं खाते अभी वो। तो रिसेंटली क्या आए थे या लास्ट कब आए थे विराट कोहली? वो जो पहले आए थे, जब बोर्ड के अंदर नहीं थे। देखो, अच्छा अच्छा, क्या होता है कि जब सेलिब्रिटी हो जाती है तो उनके पास समय कम होता है, समय कम होता है, और खाने पीने का भी, खाने पीने का भी रिस्ट्रिक्शन, उन्होंने अपने प्रोटोकॉल के अंदर ही रहना होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए कैसे मैं कह नहीं सकता। बाकी हाँ, हमारे पास और भी सेलिब्रिटी आते रहते हैं, जैसे आपके वो हुए दलेर मेहंदी साहब, दलेर मेहंदी साहब भी आए यहाँ पे, बहुत बड़े वो आते हैं। अच्छा, अपना एंजॉय करते हैं, क्या बात है। और उनके और भी कई गायक आए हैं, उनके प्यार वाले, उनके दोस्त वोस्त, क्या बात। तो यहाँ से परमात्मा की कृपा से अमेरिका से लोग आते हैं, क्या बात है। कनाडा में कहते हैं जी हमारे को लेके जाना, ऐसी पैकिंग कर देना कि हम जाके वहाँ पे छोले जरूर खाएं। तो आपने कनाडा में फ्रेंचाइजी खोलने का सोचा क्या? अरे सर, अब यहीं पे फुर्सत नहीं मिलती, आगे क्या करेंगे। बाकी करवाने वाला तो परमात्मा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ के भगत सिंह हैं और महेंद्र सिंह, जी सिंह, और मैं उनका रिलेटिव हूँ, मैं जीजा जी हूँ। तो देखते हैं, अब हम खा के देखेंगे कि कैसा है रामा छोले भटूरे का। छोले भटूरे दिल्ली का फेमस, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स आते हैं यहाँ पे छोले भटूरे खाने के लिए, विराट कोहली, दलेर मेहंदी जी, तो बहुत बड़े नाम आते हैं। तो आज हम भी ट्राई करेंगे कि छोले भटूरे कैसे। आइए दोस्तों, खाते हैं। तो दोस्तों, अब हम खाने वाले हैं रामा के छोले भटूरे। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखते हैं कैसा टेस्ट है। जैसे कि हमने बोला कि विराट कोहली जी ने अपने इंटरव्यू में बोला था, विराट कोहली का नाम, हाँ जी, तो विराट कोहली ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि भाई सबसे बेस्ट छोले भटूरे है। बहुत
छोले के जो मसाले हैं वो इतने बढ़िया से मिक्स हुए हैं, मतलब नरेश भाई दिल्ली वाले प्रॉपर छोले भटूरे से पहले वाले वीडियो में बोला था भाई छोले सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो दिल्ली वाले प्रॉपर छोले भटूरे का टेस्ट आ रहा है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है बट मसालेदार है, आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा के बिल्कुल ऐसे होगा ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत बढ़िया है। तो हर तरीके के लोग जो ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं कम स्पाइसी खाते हैं सबको अच्छे लगेगा। और भटूरे भटूरे बहुत ज़बरदस्त है, गर्मा गर्म एकदम सॉफ्ट भटूरे बहुत बढ़िया, साथ में आपको अचार और खीरे वगैरह सब मिलेगा, मिर्ची खीरे और इसमें आलू वालू सब मिलेगा, बहुत बढ़िया है सही में, बहुत ही बढ़िया छोले भटूरे हैं। कभी आपको मौका मिले तिलक नगर में आने का, तिलक नगर के जो जेल रोड है वहाँ पे आने का मौका मिले, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन से उतर के जेल रोड की तरफ बिल्कुल सामने दुकान है रामा छोले भटूरे, 90 रुपये की प्लेट है, तो ज़रूर आइए और ज़रूर खाइए, बहुत ही बढ़िया है, बहुत शानदार।